हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम 28 से लेकर 32 तक डिस्कस करेंगे और ये आज के बाद ये आपका जो लेक्चर्स हैं यानी जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज यानी 12 RS अग्रवाल की जो बुक है वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने 28 से लेकर मैंने 32 तक मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं इसमें जो 28 है एंड 29 है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये सब तो स्टूडेंट आप बेसिकली हैं, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ही आपको ये जो है 32, 31, 33 है इसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अच्छा चलिए मैं आपको 30 ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सर, ठीक है। और कौन सा 32 लिखोगे, सबसे पहले आई लेट करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 - x ब्रैकेट में और रूट के बाहर x है इंटू dx है। अब ये जो रूट एक्स है आप इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा रूट एक्स होगा, ठीक है। और एक्स रूट एक्स आएगा, ठीक है ना, इंटू dx। अब ये हमारे पास में देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की पावर यहाँ पे हमारे पास में कितनी मिलेगी, 1/2। और यहाँ एक्स की पावर यानी रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होगा और 1, तो 1 + 1/2 क्या होगा हमारे पास में 3/2 आ जाएगी। एक्स की जो पावर्स होगी तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 3/2। आप देखिए ये क्वेश्चन इजी हो गया ना। अब एक्स की पावर एन का आप फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए तो ये आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा देखिए, एक्स की पावर 1 + 2, 1/2 + 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1/2 + 1। ऐसे आप इसको ही कर लीजिए, एक्स की पावर 3/2 + 1 होगा अपॉन कितना होगा, 3/2 + 1 होगा और प्लस का सी लिखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, हमारे पास में ये क्या आएगा, 3/2, यानी हमारे पास में 2/3 और एक्स की पावर क्या आएगी, 3/2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 5/2 आएगा। यहाँ भी 5/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/5 और एक्स की पावर क्या होगी, 5/2 और प्लस का सी। ये देखिए जो 30 मैंने क्वेश्चन आपको बताया ये तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक भी मैंने क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा नहीं है, यानी सभी मैंने क्वेश्चन आपको मैंने RS अग्रवाल की मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होता है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं 31 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये तो था 30 और ये क्या है, 31 है, ठीक है। ऐसे आप इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन का नंबर किसी भी प्रकार से आप डाल सकते हैं, लेकिन कहीं इंटीग्रेशन करते समय फॉर्मूले आप गलत अप्लाई मत करिएगा, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले आप आई लेट कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन आप लगाइए। देखिए आपके पास में क्या है, sec स्क्वायर एक्स है अपॉन क्या है हमारे पास में, cosec स्क्वायर एक्स है इंटू हमारे पास में dx, इसको चेंज करेंगे 1 cos² x, इसको भी चेंज करेंगे 1 sin² x, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में करिए। तो ये आपके पास में sin² x अपॉन कितना, cos² x हो जाएगा इंटू dx, तो ये हमारे पास में क्या होगा, tan² x इंटू dx। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, sec² x - 1 इंटू ds। अब sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा ये कितना होगा, sec² x का इंटीग्रेशन कितना होगा आपके पास में, यहाँ पे लिखता हूँ, tan x होगा
और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा प्लस का सी। ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 32 देखते हैं हमारे पास में क्या है। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन हमारे पास में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स। इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, 2 अपॉन cos square x minus 3 sin x upon cos square x into dx, ठीक है। और इस तरह के मैंने क्वेश्चन सिखाए हुए हैं, इसमें करना क्या है, ठीक है। इसको 1 upon cos square x को क्या लिखेंगे, sec square x, ठीक है। माइनस 3 sin upon cos को tan लिखेंगे, फिर 1 upon cos x बचेगा हमारे पास में क्या होगा, उससे कि x होगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो हमारे पास में sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो tan x होगा, माइनस tan x sec x, यानी sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में क्या होगा, sec x होगा। और हमारे पास में कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 29, ठीक। हमारे पास में 29 क्या है, 29 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। और इस तरह के मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसमें करना क्या है ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे आप अभी साइन को भूल जाइए, एक्स माइनस अल्फा है ना, तो आप इसको ऐसा फॉर्मेट बनाइए, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल ना, तो हम इसमें अल्फा जो ऐड करेंगे और अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे दिखे ना आपको पता चल जाना चाहिए इसमें करना क्या है, नहीं तो देखिए यहाँ पे x प्लस अल्फा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं तो इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करिए। और यहाँ भी देख लीजिए एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, यानी एक्स प्लस बी है तो यहाँ मैं प्लस बी ऐड करूँगा, माइनस बी सब्ट्रैक्ट करूँगा। इसमें क्या है, प्लस अल्फा ऐड करूँगा, माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस अल्फा कर लीजिए, माइनस अल्फा आपने ऐड किया, माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट करिए, अगेन माइनस अल्फा है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए साइन क्या है, एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, ठीक है ना, मैं रफ करता हूँ इसको, ठीक है ना। तो आप इसको सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। इसके बाद आ जाइए स्टूडेंट्स इधर साइड, तो हमारे पास में देखिए वहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास में, लेट आई इक्वल टू साइन हमारे पास में क्या आ रहा है, एक्स प्लस अल्फा, माइनस अल्फा कितना होगा हमारे पास में, टू अल्फा, माइनस टू अल्फा हो जाएगा, यही होगा ना। देखो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, साइन एक्स, साइन हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस अल्फा है इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको करना क्या है इसको समझिए, इसको हम ए लेट करेंगे एंड इसको बी लेट करेंगे। तो हमारे पास में देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और हमारे पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले क्या होते हैं, ये होता है सर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप ये अप्लाई कर दीजिए,
तो हमारे पास में इंटीग्रेशन साइन ए मतलब एक्स प्लस अल्फा, कॉस बी मतलब कितना, हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, टू अल्फा माइनस कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कितना होगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू इंटू हमारे पास में क्या होगा, साइन बी, बी मतलब कितना है, साइन टू अल्फा। अब इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस अल्फा, यानी मैं अलग अलग मैं यहाँ पे करूँगा, इसके डिवाइड में आप लिखोगे ना, फिर आप अलग अलग करोगे, तो मैं एक स्टेप में रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, साइन एक्स प्लस अल्फा, यहाँ भी आप लिख लीजिए साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू हमारे पास में डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो टर्म्स है ये देख लो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, कॉस टू अल्फा इंटू डी एक्स माइनस, इसमें साइन टू अल्फा आपके पास में जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर खींचो, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगा, कॉस कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले एक्स लिख लीजिए, फिर कॉस टू अल्फा लिख लीजिए, ठीक है ना, इसके बाद साइन टू अल्फा। और मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने बताया था एफ एक्स, या मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने बताया होगा कि अगर हमारे पास में एफ एक्स है, ठीक है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें, एफ डैश एक्स आएगा तो इसका हमारे पास में क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है और प्लस का सी। तो यहाँ पे देखिए ये साइन है, साइन का आप डिफरेंशिएशन करिए कॉस मिलेगा, मिलेगा ना, तो इसका क्या होगा, लॉग एफ एक्स होगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इजी है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको 28 में क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो थोड़ा सा स्पीड हो गया, ठीक है ना, इसको वीडियो आप पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में 28 है, जैसे मैंने आपको 29 मैंने क्वेश्चन बताया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्या है, 28 है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास में 28, आई इक्वल टू हमारे पास में क्या है, कॉस है, एक्स प्लस ए है अपॉन साइन है, एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी बोला एक्स प्लस बी बना, यानी इसमें बी ऐड करना है और बी सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक्स प्लस बी पहले होना चाहिए, कॉस एक्स प्लस बी लिखा और आपके पास में प्लस ए है माइनस बी, यानी मैंने प्लस बी ऐड किया माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन हमारे पास में क्या होगा, साइन एक्स प्लस बी इंटू कितना, डी एक्स। अब इतने पार्ट्स को मुझे ए लेट करना है एंड इतने पार्ट्स को हमें बी लेट करना है, तो अब आप यहाँ पे बताइए कॉस हमारे पास में ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी का यही बनेगा ना, तो आपके पास में क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होता तो मैं पॉजिटिव लिखता, ठीक है ना, तो साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कॉस ए मतलब एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन, अच्छा पहले आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, साइन ए, ए मतलब एक्स प्लस बी इंटू साइन बी मतलब ए माइनस बी, पूरे के डिवाइड में क्या चलेगा,
साइन एक्स प्लस बी। देखिए मैंने अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने प्लस बी ऐड किया है, माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया है, कॉस इसको ए लेट किया, इसको बी लेट किया, तो हमारे पास में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको अलग अलग करना है, ठीक है, तो अलग अलग कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास में कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन हमारे पास में साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। बाहर आपको डी एक्स लिखना है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 29 बताया, सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा है, और मैंने बताया कि हाँ आप कर सकते हो, मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, तो इसी प्रकार वो भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, तो आप इसको बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे आपके पास में क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी। देखिए जो टर्म्स में एक्स नहीं होता उसको बाहर खींचा करो, हमेशा वो कांस्टेंट होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी एक्स नहीं है, इसको भी बाहर खींच लीजिए ए माइनस बी, तो यहाँ बचेगा क्या, वन इंटू डी एक्स मिल जाएगा आपके पास में। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो, कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड, आप उसका डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ आपके पास में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होता है स्टूडेंट, ये लॉग एफ एक्स होता है प्लस का सी होता है, और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में कॉस ए माइनस बी इंटू लॉग साइन एक्स प्लस बी, आप ये फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस बी होगा, एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का वन होगा, बी का जीरो हो जाए, तो हमारे पास में यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग एफ एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस बी, और ये हमारे पास में वन का इंटीग्रेशन एक्स, फिर हमारे पास में साइन ए माइनस बी आप लिख दीजिए, इसके बाद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दीजिए, ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने 28 से लेकर 32 तक मैंने क्वेश्चन बताया, और मैंने आपको बताया कि हाँ इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे, थैंक यू वेरी मच।